हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग टून्स। में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे मनाली से मणिकरण घूमने जा सकते हैं और आपका क्या बजट होने वाला है। मनाली से मणिकरण की दूरी जो है 80 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको जो है बाइक या कार की मदद लेनी होगी। आप चाहे तो बाइक और कार रेंट पर ले सकते हैं। बाइक के लिए 500 से 1000 रुपये और कार के लिए 350 से 4000 रुपये तक आपको पे करने पड़ सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह हिमाचल टूरिज्म के बस से भी सफ़र कर सकते हैं। मॉल रोड से थोड़ी ही दूरी पर तिब्बत मार्केट है, वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं या फिर बुद्धिज्म टेंपल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका रूम मॉल रोड के पास में है तो आप शाम को मंदिर के कैंपस में जा कर के मॉल रोड के शोर शराबे से दूर शांति से बैठ कर के मंदिर की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। टेंपल जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, जो कि एक अलग ही खूबसूरती देती है। हमें 10 बजे मणिकरण के लिए निकलना था, तो 10 बजे तक हमने इस प्लेस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। आप भी चाहे तो इस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग निकलते हैं मणिकरण के लिए। हमने बुकिंग की थी हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, जो कि 12 तारीख का बुकिंग था। हमने वो 10 तारीख को बुकिंग कर लिया था मणिकरण घूमने के लिए, जो कि हमें पड़ा था 1200 रुपये 2 पर्सन के लिए। बट ये जो है कैंसिल हो चुकी थी हमारी ट्रिप, तो फिर उन्होंने हमारी जो है दूसरी बुकिंग कर दी थी जो प्राइवेट से। वो स्वागतम टूरिज्म था, जो कि मनाली मॉल रोड के सामने ही है, राइट साइड में थी शॉप है उसकी, वहाँ से आप जो है बुकिंग कर सकते हैं। सेम डे में उन्होंने हमारी बुकिंग स्वागतम टूर्स में करवा दिया, जिसमें उन्होंने हमसे चार्ज लिया 1600 रुपये 2 लोगों का। हिमाचल टूरिज्म से 200 रुपये ही ज़्यादा था, बट ये ज़्यादा कंफर्ट था। कार से हम लोग गए 4 लोग और ये पिकअप टाइम था मनाली में हमारा 10 बजे सुबह में, और ये हमें वापस ड्रॉप कर देती शाम को 7 बजे तक ड्रॉप कर देती सभी जगह को एक्सप्लोर करने के बाद। बताई गई जगह पर जाने से पहले हमने सोचा कुछ नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सफ़र पर ज़्यादा खाना सही रहता नहीं, इसलिए हमने वहीं पर बेच रहे थे कुछ लोग कश्मीरी गुलाब जामुन बोल करके 50 रुपये का दे रहे थे, 4 से 5 पीस था, तो हमने वो ट्राई किया और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए। मनाली से जैसे ही आप नीचे उतरने लगेंगे तो आपके सारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। पहला डेस्टिनेशन पॉइंट होगा आपका हॉट एयर बलून, जहाँ पर आप एडवेंचरस स्पोर्ट कर सकते हैं। हॉट एयर बलून के सहारे आप ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर जा कर के पहाड़ों का नज़ारा ले सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने किया नहीं है। अगर आपने अगर ऐसा किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और क्या फेयर था उसका वो भी बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट इसके बाद हम लोग सेकेंड डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, जो कि है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग 2 स्टेज में होगी। पहली होगी कम हाइट पे, जिसके लिए वो आपसे 3000 रुपये चार्ज करेंगे। उससे ज़्यादा हाइट पे आप जाते तो 5000 रुपये पर पर्सन लेंगे। मनाली ही सबसे हाईएस्ट पिक से जो है पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है, इसके लिए फेमस है। इसके बाद जो हमारा थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है रिवर राफ्टिंग, जो कि यहाँ पर कराई जाती है और काफ़ी कॉस्टली है। 10000 रुपये वो मांग रहे थे हमें 4 लोगों का, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा, इसलिए हमने वो किया नहीं। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते लेते हम लोग पहुंचते हैं कैंपिंग की नगरी कशोल में, जहां पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये सभी अगर आपको पसंद है तो ये प्लेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पार्वती रिवर के किनारे कैंप लगाइए, बॉनफायर जलाइए और पार्टी करिए। ये प्लेस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कई सारे लोग यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आते हैं। हम भी यहाँ पर कुछ देर रुके, फ़ोटो क्लिक करवाई और काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी सुकून मिलता है अगर आप नदी किनारे आकर बैठ जाते हैं, तो पानी की आवाज़ सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक सीढ़ियों के नीचे से आपको दिखेगा एक खूबसूरत सा गुरुद्वारा, जो कि बेहद ही खूबसूरत दिख रही होगी। ठीक उसके बगल में है एक मंदिर और इन दोनों के सामने से जो गुजरती हुई पार्वती नदी, नदी में आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा पर वह धुआं नहीं है, वो गर्म कुंड के पानी की वजह से ऐसा धुआं फैल रहा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ ढेर सारे कपड़े लेकर आएँ, क्योंकि आप यहाँ आते वक्त इस गर्म कुंड में यहाँ के नहा सकते हैं और अगर आप रिवर राफ्टिंग करते तो वहाँ भी आपका ज़रूरत बढ़ सकता है। तो अगर यहाँ आए तो अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ। इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के बाद
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ भी नहा सकते हैं, या फिर इसके गुरुद्वारे के पास भी एक कुंड है, वहाँ भी आप जा कर के नहा सकते हैं। यहाँ भी टॉयलेट सभी व्यवस्था है, वॉशरूम और चेंजिंग रूम सभी चीज़ मिल जाएगी आपको। तो हम लोग चलते हैं गुरुद्वारा में। गुरुद्वारा में पहले जाने से पहले हम लोगों ने अपने शूज़ उतार लिए। यहाँ पर फ्री ऑफ द कॉस्ट आप अपने जूते रखिए, वो सेफ रहेगा। उसके बाद गुरुद्वारा में दर्शन करें। गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद अब यहाँ पर एवरी टाइम लंगर चलता रहता है, आप यहाँ पर लंगर खाएं और काफ़ी स्वादिष्ट आपको लगेगा, मतलब सब चीज़ मिल जाएगा आपको। इसके बाद ठीक इसके बगल में सुरंग से रास्ते होते हुए हम लोग पहुँचते हैं यहाँ का मंदिर। मंदिर जाते ही हमें एक अच्छी और अनोखी सी चीज़ देखने को मिली। सभी लोग एक पाउच में कुछ बांध करके गर्म पानी के अंदर डाल रहे थे। पता करने पे हमें पता चला कि वो चावल या फिर चना है जो उसमें पका रहे थे मुझे गर्म पानी में, जो कि काफ़ी अनोखा चीज़ था। मुझे लगा ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं। फिर मुझे यहाँ पर यह पता चला कि जो मैंने लंगर में वहाँ पर दाल चावल या कढ़ी खाया वो भी इसी पानी में बना था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था क्या इतना गर्म था ये कि हमने खाना बन सका, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था और मुझे देख करके भी मज़ा आया और मैंने खाया वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो सच में ये चीज़ अमेजिंग थी यहाँ पर, जो कि मुझे अच्छी लगी। खुद शिव जी का वहाँ पर काफ़ी बड़ा सा स्टैचू था और उसके नीचे खाना बन रहा था, मतलब अमेजिंग था मानो, सही में मज़ा आ गया। इसके बाद हम लोग जो है हमने भी सोचा ट्राई करते हैं बनाने का, क्या सच में वो पकता है या नहीं पकता है। तो हमने वहाँ से लिया और ट्राई कर रहे थे बनाने का, तो सच में वो थोड़ा सा बन रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। मतलब वहाँ पर लटका के रखो फूड रख, धीरे धीरे वो पक रहा था, मतलब टाइम टेकिंग था लेकिन मज़ा आ गया उसमें। आप भी ऐसा ट्राई करें, यहाँ आए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा बनाने का। वहाँ पर आपको बर्फ, यहाँ पर गर्म कूल, मतलब बहुत ही मज़ा। आप यहाँ पर आकर के जो फ्लोर होता है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ से आप जो इतना गर्म होता है पानी की फ्लोर भी गर्म कर देता है। तो हम लोग वहाँ पर गए थे, पैर भी गर्म किया, स्पा जैसा मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत मज़ा आया, क्या बताऊँ। ठीक है, खूब सारी मस्ती की हमने। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। तो दोस्तों यह था वीडियो हमारी मणिकरण का, जो मैंने ट्रिप किया था। छोटी सी वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको हर चीज़ बताने की। अब आती है बात यहाँ की बजट का क्या रहने वाला है, आपको घूमने में क्या खर्च होने वाला है। तो फूड में देखिए तो 200 रुपया पर पर्सन लोग कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में और जो आप ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर नाइट में जो डिनर करेंगे उसके लिए। अदरवाइज़ आपको लंगर में मिड में दोपहर में लंच आपको मिल जाएगा, जो कि तो फूड में ज़्यादा खर्च होने वाला है नहीं। उसके बाद आता है आपका ट्रैवलिंग का, जो कि कैब या फिर से हिमाचल टूरिज्म का बस बुक करते हैं, उसमें आपका खर्च होने वाला है 600 से 800 रुपये। तो टोटल अगर आप देखें तो 1000 रुपये आपका खर्च होगा इस ट्रिप में, जो कि काफ़ी कम है ऐसे प्लेस पे घूमने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मनाली से मणिकरण का जो ट्रिप है। इसके बाद अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस प्लेस पे घूमने जाने वाले हैं अपने दोस्तों या फैमिली के साथ तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।